डॉक्टर रवि मालिक, जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, क्या उनके लिए ज्यादा खतरा होता है? क्योंकि उस पर बॉडी पर तो इम्पैक्ट होगा, भले उसके सिम्टम्स वैसे नजर नहीं आए, लेकिन बॉडी पर तो ये वायरस इम्पैक्ट करेगा। अब ऐसे में क्या प्रिकॉशंस बरतने? और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, हमने ये भी देखा था कि जो पहले कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, कई बार उन्हें दोबारा से कोरोना का इफेक्ट नजर आता है, तो क्या इस बार जो ये तीसरी लहर है वो उनके लिए भी ज्यादा खतरा लेकर आएगी? देखिए, जैसे ही वायरस अपना वेरिएंट चेंज करता है तो पुराने वाले वायरस की इम्यूनिटी उसके ऊपर कई बार काम नहीं करती है। अगर वो अपना रूप प्रतिरूप बिल्कुल बदल लेता है तो फिर वो उसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चैलेंज है, तभी हम लोग नजर रखे हुए हैं कि जो भी वेरिएंट चेंज हो रहा है वो किस तरह से वेरिएंट चेंज हो रहा है, क्या उसके ऊपर वैक्सीन कारगर होगी कि नहीं, या जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उनको दोबारा हो सकता है कि नहीं। मोटी सी बात मैं आपको ये बता दूं, जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, उन्हें भी मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और उन्होंने हैंड हाइजीन वगैरह प्रॉपरली फॉलो करनी है। ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। जितने लोगों को कोरोना हो चुका है वो ये ना सोचें कि बिल्कुल वो सेफ्टी जोन में है, वायरस कभी भी अपना रूप प्रतिरूप बदल के अटैक कर सकता है, तो वो तो अपने पूरी प्रिकॉशंस को लेके रखें। सबसे बड़ी बात यह है, हम सब लोग एक ह्यूमन चेन के साथ में बंधे हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के, जैसे कि अभी आपने रिपोर्ट्स में दिखाया, बिना मास्क के घूम रहा है तो ये बड़ा खतरनाक काम है। ये खतरनाक काम इस लेवल तक है कि जैसे एक सुइसाइडल बॉम्बर घूम रहा है, वो ना केवल अपने आप को वल्नरेबल रख रहा है लेकिन वो अपने आसपास वाले सब लोगों को भी, अपने परिजनों को, परिवार के सदस्यों को भी वल्नरेबल रख रहा है। जहां तक आपसे सवाल एसिम्प्टोमेटिक केसेस का है, मैं एग्री करता हूँ, एसिम्प्टोमेटिक केसेस मेजोरिटी होते हैं। जनरली एसिम्प्टोमेटिक केसेस अपने ऊपर तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि उन्हें फीवर भी नहीं आता, सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्शन दे सकते हैं, जिससे कि, और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं इन्फेक्शन देने के लिए। जिसको फीवर है, सिम्टम्स है, उसको तो हम टेस्ट करके आइसोलेट भी कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोविड हॉस्पिटल भी चलाता हूँ तो मैंने देखा है कि जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस है वो हमारे तक पहुंचते ही नहीं है क्योंकि उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं, तो वो सोसाइटी में जो है स्प्रेड करते रहते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिस भी व्यक्ति से मिले हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलिए कि इस व्यक्ति को कोरोना है। यू मस्ट प्रिज्यूम कि इसको कोरोना है और उसकी उससे उतनी सोशल डिस्टेंसिंग करके आप उस चीज को संभल के चलिए। और मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पब्लिक बिल्कुल नहीं कर रही है। जी सर, इस वक्त सब लोग पता नहीं किस कॉन्फिडेंस में घूम रहे हैं। मैं फिर दोबारा से आगाह करना चाहूंगा आपकी चैनल के थ्रू, केयरफुल होने की जरूरत नहीं, लेकिन केयरफुलनेस इज रिक्वायर्ड। जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगनी चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारे को ये सारी प्रिकॉशंस अपने आप ले लेनी चाहिए, और जो कम्युनिटी फंक्शंस हैं जहां तक हो सके उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज करना चाहिए बनिस्पत के 1-to-1 इंटरेक्शन के। बिल्कुल डॉक्टर रवि, आपने बहुत इंपॉर्टेंट की बात बताएं। डॉक्टर रवि, आपसे मैं ये भी जरा समझना चाहूंगी कि भले वैक्सीनेशन तो है लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर एंटीबॉडी क्या रेडी रहती है? क्योंकि वैक्सीनेशन के बावजूद अगर हम केसेस देख रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि उसका इस नए स्ट्रेन पे उतना इंपैक्ट नजर नहीं आएगा? और देखिए, जितने भी अभी तक नए स्ट्रेन है, जितनी भी शोध हुई है उसके अंदर यही चीज प्रूव हुई है कि ये वैक्सीन जो है, ये जितने नए स्ट्रेन आए हैं उसके ऊपर कारगर रहेगी। और किसी वजह से अगर ये किसी स्ट्रेन पे नहीं भी कारगर रहती है और उसको कोरोना हो जाता है तो कोरोना का प्रकोप काफी कम होगा, उससे मृत्यु होने के चांसेस काफी कम रहेंगे। तो वैक्सीन की प्रोटेक्टिविटी के ऊपर जितने अभी तक शोध हुए हैं, बाकी शोध चल भी रहे हैं, जितनी रिसर्चेस हुई हैं वो अभी तक बड़ी सकारात्मक है और सब कह रही है कि जितने भी स्ट्रेन हैं इनके ऊपर वैक्सीन कारगर होगी। दो चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके थ्रू व्यूअर्स को, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कोरोना वायरस एक सीरियस इन्फेक्शन है, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये स्किन से नहीं जाएगी, ये चमड़ी से अंदर नहीं घुस सकता, वायरस कोई इफेक्ट नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से अंदर जाता है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तुलसी हो गया, कपूर हो गया, लौंग हो गया, इसको मिलाने के बाद में हाथों को धोते रहते हैं और वो सोचते हैं शायद हम इससे बच जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये डेडली वायरस है। दिस विल ओनली गो विद अ सॉल्यूशन जिसमें कि 70% अल्कोहल है, नथिंग एल्स विल वर्क ऑन दिस वायरस। ये मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, 70% अल्कोहल जब तक सॉल्यूशन में नहीं है वो हैंड सैनिटाइजर हम यूज नहीं कर सकते। किसी भी तरह का तुलसी, कपूर या अदरक डाल के पानी में अगर हम घोल के करने लग गए तो हम धोखा खा जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या दूसरी चीज है कि हम अच्छे सोप के साथ में अच्छे से हाथ को धो दे, तभी इस वायरस से हमारा पीछा छूटेगा, अदरवाइज ये पीछा नहीं छूटेगा। ये कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि समझनी बड़ी जरूरी है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, देखिए
कहीं ना कहीं लोग जो मास्क नहीं पहन रहे वो तो चलो नहीं पहन रहे, वो तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन जो मास्क पहन भी रहे हैं, जो मैं सड़कों के ऊपर देखता हूँ, वो भी ठीक से नहीं पहन रहे हैं, नाक कवर्ड नहीं है, मास्क नीचे, ऐसा लगता है सर वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। बिल्कुल।